हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूं पूनम कौर और आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू मैं अपनी वीडियोस आप तक पहुँचा सकती हूँ। इसे बनाने के लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन, अनियन, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स। बर्गर सेट करने के लिए बर्गर बन, टोमेटो केचप, मियोनीस, बटर, टोमेटोस एंड चीज़। सबसे पहले जो हमने चिकन ले लिया है उसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे और इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये देखिए चिकन का कीमा तैयार है। अब जो हमने प्याज ले लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च, साथ ही सूखे मसालों में हमने यहाँ पर डाला है नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच, तीनों डाल दिए हमने इसमें। और इन सारे मसालों को सूखे मसालों के साथ अब अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको इसे थोड़ा और च्यूई बनाना है तो आप चाहो तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हो, पर हमने यहाँ पे इग्नोर किया बिकॉज चिकन का फैट जो हमने चिकन ले लिया था उसमें ऑलरेडी इंक्लूड था, इसलिए हमने यहाँ पे क्रीम नहीं डाली। अब हम इसकी पैटीज बनाना तैयार करते हैं। ये देखिए बर्गर बन की साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी पैटी रेडी करूंगी। कुछ इस तरह राउंड करके टैप कर देंगे। ये देखिए हमारी चिकन पैटी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और बड़ी आसानी से रेडी भी हो गई। अब इसी तरह हम बाकी की पैटीज बनाकर भी तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, हम यहाँ पे डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल अच्छा गरम हो जाएगा, हमने जो चिकन की पैटीज बना लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। दोनों तरफ से टर्न करते हुए अब गैस का जो फ्लेम है मीडियम कर लेंगे और उस पे से पकाएंगे। देखिए हमारी चिकन की क्रंची सी पैटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इन्हें हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। अब एक नॉन स्टिक की फ्राइवल में हमने थोड़ा सा बटर गरम कर लिया और जो हमने बर्गर बन ले लिए थे उनको कट करके कुछ इस तरह हम थोड़ा सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेकेंगे हम इसे, क्योंकि बर्गर बन सेकने से जो उसका टेस्ट है वो काफी अच्छा हो जाता है। दोनों तरफ से टर्न करते हुए आप देखिए इसे सेकना है। हाँ, अब ये सिक चुके हैं, देखिए टर्न कर दिए मैंने। अब जब दोनों तरफ से सिक जाएं तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था वेज बर्गर बनाते टाइम, जो हमने चिकन की पैटी बनाई है उसे हम पैन में रख लेंगे और उसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। 2 मिनट कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए चीज़ ऑलमोस्ट हमारी मेल्ट हो चुकी है, हाथ लगाने से ही पता लग रहा है। अब चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर बन ले लेंगे। चिकन बर्गर है ऐसे में बहुत सिंपल वे में बनाना पसंद करूंगी, इसलिए हमने यहाँ पर गार्लिक मियोनीस ले ली है और वो हमने इसमें लगा ली। आप चाहें तो चिकन बर्गर बन बनाना आपके प्रेफरेंस पे है, आप उसे जैसे चाहें स्पाइसी, कम स्पाइसी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा फीका रखा है। टोमेटो केचप, यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाली, 2 टोमेटो स्लाइसेस डाल दिए मैंने। चिकन की पैटी जो हमने तैयार कर ली थी वो रख लेंगे, उसके ऊपर हमने और थोड़ी सी मियोनीस डाल दी। अब आप देखिए जो नेक्स्ट बर्गर बन की ब्रेड है हमने इसे कवर कर लिया और ये बहुत ही ज्यादा क्रंची और टेस्टी है फ्रेंड्स।